Hello everyone, today we are going to start an other chapter of class 4th science, that is chapter 12, air, water and weather. In this chapter we will discuss about the sun and change in weather, air, water and impurities in water. Let us start with brief introduction of chapter 12, air, water and weather. Weather is the physical state of the atmosphere at a given time, described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a place. Children, weather kya hai? Atmosphere ki physical state hai. That is weather. Weather ko describe kiya gaya hai kisi particular place ke ek time par. जो एयर की कंडीशन है, क्लाउड्स की कंडीशन है, एयर प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है वहाँ की, रेन और सनशाइन, इन टर्म्स के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब किया गया है. जब हम इन टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, दैट मीन्स हम वेदर को डिस्क्राइब करते हैं. मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन वेदर. द चेंज इन वेदर ऑकर्स ड्यू टू द सन. हमारी डे टू डे की मोस्टली एक्टिविटीज वेदर के चेंज होने से प्रभावित होती हैं. वेदर डे टू डे, आवर टू आवर चेंज होता है, और वेदर के चेंज होने का असर हमारी डेली एक्टिविटीज पर होता है. वेदर चेंज क्यों होता है? वेदर चेंज होता है ड्यू टू द सन. सन की वजह से वेदर में चेंज आता है. चिल्ड्रन, सी इन दिस पिक्चर चेंजेस इन वेदर एट डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर. एक सीजन में डिफरेंट, एक ईयर में डिफरेंट सीजन होते हैं. समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी एंड ऑटम सीजन, राइट? और इन सीजन में भी वेदर चेंज होता है, और वेदर के चेंज होने का असर हमारी डेली एक्टिविटीज पर होता है, राइट? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सन एंड चेंज इन वेदर. द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशन. वेदर की कंडीशन चेंज होती रहती है, जिसमें सन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. As we know, the earth moves round the sun. This motion is called revolution. ये तो हम जानते हैं कि हमारा अर्थ सन के इर्द गिर्द मूव करता है. अर्थ सन के चारों ओर मूव करता है, और अर्थ की इस मूवमेंट को कहा जाता है revolution. While revolving, the part of the earth nearer to the sun has warmer and longer days. सो इट इज समर इन दिस पार्ट. समर सीजन कब होता है? जब अर्थ का जो पार्ट सन के नज़दीक होता है वो पार्ट वार्म होता है, और वहाँ डेज लॉन्ग होते हैं, दिन लंबे होते हैं, और इसीलिए वहाँ क्या होता है? समर सीजन होता है. उस पार्ट में, अर्थ के उस पार्ट में समर सीजन होता है. द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज colder and shorter days, and there is winter in this part. ठीक इसके अपोजिट, अर्थ का जो पार्ट सन से दूर होता है उस वह पार्ट कोल्डर होता है, ठंडा रहता है, और वहाँ डेज शॉर्टर होते हैं, दिन छोटे होते हैं, और इसीलिए वहाँ क्या होता है? विंटर सीजन. देर इज विंटर सीजन इन दैट पार्ट. सो रेवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन सीजन, और इसी तरह से क्या होता है? रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. अर्थ का मूवमेंट रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. चिल्ड्रन, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो. इट आल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर. सन की हीट की वजह से विंड ब्लो करती है. विंड क्या है? मूविंग एयर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड.
और सन की हीट के कारण विंड ब्लो करती है, और इसकी वजह से वाटर के स्टेट्स में भी चेंज आता है। वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, और इसका रीजन है सन की हीट एंड विंड का ब्लो होना, दैट्स कॉजिंग चेंज इन वेदर। और इस तरह से वेदर चेंज होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझते हैं कि वेदर चेंज कैसे होता है, सन का अफेक्ट वेदर पे कैसे होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एयर। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द एयर। द सन हीट्स अप द एयर मेकिंग इट लाइदर। सन की हीट का अफेक्ट एयर की मूवमेंट पर होता है। सन एयर को हीट कर देता है और ये लाइदर हो जाती है। द हॉट एंड लाइदर एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। जो एयर हॉट और लाइदर हो चुकी है, एयर हवा जो गर्म हो गई है हीट सन की हीट की वजह से और हल्की भी हो गई है, हॉट और लाइदर एयर क्या होता है ऊपर की ओर जाती है। जब ये राइजेज अप होती है मीन्स ऊपर की ओर जाती है, तो इसका प्लेस खाली हो जाता है और इस ब्लैंक स्पेस को कवर करती है कूल एयर। द हॉट एंड लैदर एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। कूल एयर इसके प्लेस को ले लेती है, इसके प्लेस को कवर कर देती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स, और एयर के इस मूवमेंट की वजह से विंड्स ब्लो करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। व्हाट इज सी ब्रीज? द सन वार्म्स बोथ द लैंड एंड वाटर, बट द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर। सन लैंड और वाटर दोनों को वार्म करता है, दोनों को गर्म करता है सन, लेकिन लैंड वाटर के कंपेयर में जल्दी वार्म हो जाता है। इन द डे द सी इज कूल एंड द लैंड इज वार्म। और दिन में क्या होता है, सी कूल रहता है और लैंड वार्म रहता है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है। हॉट एयर अबव द लैंड राइजेज एंड कूल एयर अबव द सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। लैंड के ऊपर जो हॉट एयर है वो ऊपर की ओर जाती है, और उसका जो खाली स्पेस है वो कूल एयर जो कि सी के ऊपर थी, कूल एयर उसके प्लेस को कवर कर लेती है। और इस तरह से सी ब्रिज में एयर ब्लो होती है फ्रॉम सी टू लैंड। सी से हवा लैंड की ओर बहती है। दिस इज सी ब्रिज। चिल्ड्रन, यहाँ डायग्राम गिवन है सी ब्रिज का, जिसमें कि एयर कूल एयर सी से लैंड की ओर जाती है। इसीलिए जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं, सी के पास आप जाते हैं, तो आपको एयर कूल महसूस होती है। नाउ नेक्स्ट इज लैंड ब्रिज। व्हाट इज लैंड ब्रिज? एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर बट द सी रिमेन्स वार्म। नाइट में लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जैसे लैंड जल्दी गर्म होता है वैसे लैंड जल्दी ही कूल डाउन हो जाता है कंपेयर टू सी, और सी वार्म रहता है। नाउ हॉट एयर अबव द सी राइजेज कूल एयर अबव द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। अब सी के ऊपर जो वार्म एयर है, हॉट एयर है, वो ऊपर की ओर जाती है, और इसका जो स्पेस ब्लैंक रह जाता है वो कूल एयर जो लैंड के ऊपर थी, वो कूल एयर इसका स्पेस कवर कर लेती है। और इस तरह से लैंड ब्रिज में ब्रिज ब्लो होती है लैंड टू सी, लैंड से ब्रिज ब्लो होती है सी की तरफ। ब्रिज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर। वाटर द सन आल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर कॉजिंग ह्यूमिडिटी एंड रेन। सन वाटर के स्टेट्स को भी चेंज करता है, जिसकी वजह से रेन होती है और ह्यूमिडिटी होती है। द सन्स हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। और जो सन की हीट है वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी।
एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स। और क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उनकी टाइनी ड्रॉपलेट्स वो क्लाउड्स की फॉर्म में ज्वाइन हो जाती हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी इनफ वाटर वेपर ट्रांसफॉर्म्स इंटू वाटर एंड फॉल्स डाउन एज रेन। जब ये क्लाउड्स में बहुत अधिक वाटर हो जाता है तो ये इतने हैवी हो जाते हैं कि वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं और ये वाटर क्लाउड्स चेंज हो जाते हैं वाटर में और ये रेन की फॉर्म में नीचे की ओर गिरती हैं वाटर ड्रॉप्स। इट फॉल्स डाउन एज स्नो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। और ये स्नो की फॉर्म में भी नीचे गिरती है। इवेपोरेशन एंड द वेदर। द हीट ऑफ द सन स्लोली चेंजेस द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू वाटर वेपर। अर्थ के सरफेस पर जो वाटर है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में और इसे चेंज कौन करता है? सन की हीट। सन की हीट धीरे धीरे अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये प्रोसेस जिसमें कि वाटर हीट होने पर, गर्म होने पर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मे बी स्लो और फास्ट डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इवेपोरेशन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इसके फैक्टर्स हैं विंड, टेम्परेचर, ड्राई एयर एंड सरफेस एरिया। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विंड। विंड कैसे अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को? इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन इट इज विंडी, मूविंग विंडी अब्सॉर्ब वाटर रैपिडली। जब विंडी डे होता है, हवा तेज चल रही होती है, तो क्या होता है? इवेपोरेशन फास्ट होता है क्योंकि मूविंग विंड वाटर को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज फास्टर इफ द टेम्परेचर इज हाई। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा और टेम्परेचर अगर लो होगा तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज ड्राई एयर। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई बिकॉज ड्राई एयर कैन टेक अप मोर वाटर देन मॉइस्ट एयर। जब ड्राई एयर होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा क्योंकि ड्राई एयर वाटर को अधिक ऑब्जर्व करती है कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर अगर होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा। सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को? इवेपोरेशन इज फास्टर इफ द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज। अगर लिक्विड या वाटर का एरिया लार्ज है, उसके सरफेस का एरिया लार्ज है, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। यहाँ चिल्ड्रन आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इवेपोरेशन कहाँ पर फास्ट होगा। यहाँ क्लोथ्स हैं, इसका एरिया लार्ज है तो यह इवेपोरेशन फास्ट होगा, राइट। और इसका एरिया, नेक्स्ट पिक्चर जो कि वाटर टब है, इसका एरिया कुछ कम है तो यहाँ इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो होगा। और लास्ट पिक्चर में जो टैंक दिया गया है, वाटर टैंक, इसमें इवेपोरेशन और अधिक स्लो हो जाएगा क्योंकि इसका ओपन एरिया लिक्विड इसमें फिल है, वाटर फिल है, इसका ओपन सरफेस एरिया जो कि लार्ज नहीं है, राइट। तो यहाँ इवेपोरेशन स्लो होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर जब कूल होने पर वाटर में चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। रेन, फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट ऑल आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। फर्स्ट इज रेन। रेन कैसे होता है चिल्ड्रन?
व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट्स वेपराइजेज अप। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर ऊपर की ओर जाता है। वाटर वेपर कूल्स एज इट गेट्स इट गोज अप एंड चेंजेज इंटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और वाटर वेपर ठंडा होने पर ऊपर कूल्स हो जाता है जैसे जैसे ऊपर जाता है, और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है। दीज ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टूगेदर टू मेक क्लाउड्स। और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स की फॉर्म में ज्वाइन हो जाती है। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी विद वाटर दे बर्स्ट एंड वी गेट रेन। जब ये क्लाउड्स में वाटर इतना अधिक इकट्ठा हो जाता है कि वाटर को अधिक स्टोर नहीं कर पाता, होल्ड करके नहीं रख पाते हैं क्लाउड्स, तो हमें बारिश मिलती है। नेक्स्ट इज फॉग। चलिए फॉग कैसे होता है। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर मिक्सेस विद वेरी कोल्ड एयर। फॉग फॉर्म होता है जब वाटर वेपर मिक्स हो जाता है कोल्ड एयर के साथ, और ये चेंज होता है, इट चेंज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और ये वाटर की ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। एंड फॉर्म्स अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स जस्ट अबव द वाटर और लैंड। और ये वाटर या लैंड के ऊपर, थोड़ा सा वाटर और लैंड के ही ऊपर एक क्लाउड्स का ब्लैंकेट की तरह फॉर्म होता है। मॉर्निंग में आपने देखा होगा फॉग होता है ऊपर वाइट वाइट, और ये क्या होता है, फॉर्म कैसे बनता है चिल्ड्रन, ये फॉर्म होता है जब वाटर वेपर कोल्ड एयर में मिक्स हो जाता है, वेरी कोल्ड एयर में मिक्स हो जाता है, और ये चेंज हो जाता है वाटर की ड्रॉप्स में, और ये एक ब्लैंकेट की फॉर्म में, क्लाउड्स की ब्लैंकेट की फॉर्म में लैंड के ऊपर आपको देखने को मिलता है या वाटर के ऊपर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ड्यू। ड्यू मीन्स ओस। इन विंटर व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन टचिंग कोल्ड सरफेस। विंटर सीजन में आपको देखने को मिलती है ड्यू, जब विंटर में वाटर वेपर एयर में जाकर कंडेंस हो जाता है और कोल्ड सरफेस को टच करता है। कोल्ड सरफेस को टच करने पर ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, वाटर वेपर ठंडा हो जाता है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्यू आर फॉर्म्ड। और ड्यू फॉर्म्ड होती हैं जो कि वाटर की स्मॉल ड्रॉप्स हैं, पानी की स्मॉल ड्रॉप्स हैं, जिसे ड्यू कहा जाता है। ड्यू आर फॉर्म्ड। ड्यू ड्रॉप्स कैन बी सीन ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स इन विंटर मॉर्निंग। और विंटर मॉर्निंग में आप इन्हें देख सकते हैं फ्लावर्स पर और लीव्स पर, फूलों पर, पत्तों पर आप देख सकते हैं उसकी छोटी छोटी बूंदें। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड द ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेज इंटू टाइनी वाइट क्रिस्टल्स कॉल्ड फ्रॉस्ट। जब बहुत अधिक कोल्ड होता है तो ड्यू या सरफेस वाटर का एकदम फ्रीज हो जाता है, और ये टाइनी वाइट क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होता है, जिसे कहा जाता है फ्रॉस्ट। जैसे बर्फ की एकदम पतली सी लेयर आपको देखने को मिलेगी कोल्ड सीजन में, जब बहुत अधिक ठंडा होता है तो एक लेयर आपको नज़र आएगी स्नो जैसी, जिसे कहा जाता है फ्रॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज हेल। व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर दे फ्रीज एंड फॉर्म हेल। आपने देखा होगा रेन के साथ ओले भी गिरते हैं बर्फ के, स्नो के। जब रेन ड्रॉप्स बहुत अधिक ठंडे रीजन के पास से गुजरती हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर जो बहुत कोल्ड रीजन है उसकी वजह से क्या होता है, वो रेन ड्रॉप्स फ्रीज हो जाती है और वो हेल की फॉर्म में नीचे आती हैं, स्नो। व्हेन वाटर वेपर इज सडनली कूल्ड। जब अचानक से वाटर वेपर एकदम से कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एंड इट फ्रीजेज इनटू टाइनी वाइट स्नोफ्लेक्स, और ये वाइट स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में फ्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं स्नो। नाउ
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस प्रीवेलिंग इन नेचर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस होने वाला प्रोसेस है जिसमें कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस कंटिन्यूस नेचर में होते हैं. वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज एंड कंडेंसेस एज रेन ऑफ स्नो. वाटर इवेपोरेट होता है कहाँ से? लेक से. जो वाटर लेक में है, झीलों में पानी है, रिवर्स में है, ओशियन में और अदर वाटर बॉडीज सी में है, ये वाटर बॉडीज में जो वाटर प्रेजेंट है ये इवेपोरेट होता रहता है बाय हीटिंग. और इसके बाद ये जब कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वापस अर्थ पर वाटर बॉडीज में आ जाता है. दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. चिल्ड्रन, इन दिस डायग्राम यू कैन सी वाटर साइकिल. वाटर जो कि इवेपोरेट होता है और ये इवेपोरेट होकर वाटर कहाँ जाता है? राइजेज अप, ऊपर की ओर जाता है, फिर ये क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज होता है, देन ये कंडेंस होने के बाद कोल्ड रीजन में ये कंडेंस हो जाता है और वापस रेन की फॉर्म में वाटर नीचे आ जाता है और ये नीचे अर्थ पर आने के बाद ये कहाँ पहुँचता है? वाटर बॉडीज में वापस वाटर पहुँच जाता है और ये वाटर साइकिल कंटिन्यूस बाय नेचर कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है. दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल. चिल्ड्रन, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड क्विक असाइनमेंट. थैंक यू.